हेलो एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स और मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती है, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना गाइज, क्योंकि जब भी आप इन रीडिंग्स को लाइक करते हो ना, मुझे लिटरली बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, एंड मुझे खुद पॉजिटिव फील होता है उससे, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मैं भी पॉजिटिव फील करूं, तो लाइक जरूर करा करो इन वीडियोस को। एंड साथ ही साथ गाइस चेकआउट करो कि आपको नोटिफिकेशन मिल रही है या नहीं रेगुलरली, क्योंकि मैं रेगुलरली मॉर्निंग थॉट्स, इवनिंग थॉट, लेट नाइट थॉट्स डाल रही हूं। तो आप मेक श्योर करो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल रहा है या नहीं, नहीं तो आप मेरी चैनल पर जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है आप वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से पर्सनली आपके लिए एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ओके। वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर इन क्रिस्टल्स को आज ही बुक कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप से। मेक श्योर कि आप जहां पर भी पेमेंट कर रहे हो तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे कनेक्टेड हो, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड्स हैं। तो कमेंट में दिए गए किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट मत करें, ठीक है। सो चलिए फिर आगे चलते हैं गाइज। जितने नए लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जब आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है जो स्पेसिफिकली आप सबके लिए बनाई जा रही है। इस रीडिंग के दौरान जब मैं कार्ड शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचें, ठीक है, और डिवाइन से प्रे करें कि आज की इस रीडिंग के थ्रू आपको करेक्ट और एक्यूरेट गाइडेंस प्रोवाइड हो, ठीक है। और साथ ही साथ गाइज आज बेसिकली हम चेकआउट करने वाले हैं कि आपके पार्टनर इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, तो उस समय आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे वो रखिए, बाकी दूसरों के लिए आप छोड़ सकते हो। एट द एंड मैं आपको कुछ रेमेडी भी बताऊंगी टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन यहाँ पर देखी जाएगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस रीडिंग को। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस शख्स के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, और शख्स की एनर्जीज क्या हैं, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन फील कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। टू ऑफ वैंड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, टेन ऑफ कप्स, ओके, एक कार्ड अपने आप आया, दैट इज सेवन ऑफ कप्स एंड द लवर्स, ओके। एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट वी हैव अ टू ऑफ पेंटाकल्स, और बॉटम में हमारे पास है टेन ऑफ वैंड्स, ठीक है। चलिए सो और भी कार्ड्स देखते हैं, ठीक है, और प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं टू ऑफ वैंड की एनर्जी क्या क्लैरिफाई करना चाह रही है मेरे व्यूअर्स को। सो यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स के लिए वी हैव टेन ऑफ पेंटाकल्स, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें एट ऑफ स्वॉर्ड्स को, विच इज नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें टेन ऑफ कप्स को। सो वी हैव फाइव ऑफ पेंटाकल्स, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें सेवन ऑफ पेंटाकल्स को, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें द लवर्स के लिए वी हैव द एनर्जी ऑफ हर्मिट, ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें एस ऑफ कप, सेवन ऑफ पेंटाकल्स, ओके, टू टाइम्स सेवन ऑफ पेंटाकल्स आए, टू ऑफ पेंटाकल की एनर्जी के लिए वी हैव थ्री ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, ओके, एंड फॉर टेन ऑफ वैंड्स वी हैव अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। चलिए सो मे बी जिस शख्स के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके जोडियक साइंस यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, यानी सारे जोडियक साइंस यहाँ पर है। ये जो रीडिंग रहने वाली है ये सभी जोडियक साइंस के लिए, ओके। चलो तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो एनर्जी इज टू ऑफ वैंड, टू ऑफ पेंटिकल जैसी एनर्जी उठ कर आई है, ठीक है, टेन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी। अच्छा, इट इज़ दैट एनर्जी विच आई एम फीलिंग, जहाँ पर एक टाइम पर इस पर्सन ने बहुत लव बॉम्बिंग, बहुत प्यार लव बॉम्बिंग करी है, लव बॉम्बिंग इन द सेंस कि जहाँ पर आपको बहुत प्यार दिखाया है इन्होंने पास्ट में, ठीक है, मतलब एकदम इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर इन्होंने, हो सकता है कि सिर्फ आपको रिलेशनशिप में आने के लिए प्रपोज नहीं करा बल्कि शादी करने के लिए आपको प्रपोज कराऊँ, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो दैट एनर्जी जहाँ पर बहुत बहुत प्यार दिखाया है उन्होंने पास्ट में, आपको कमिटमेंट भी दी, आपसे शादी के प्रोमिस भी करे,
ठीक है. सो मतलब द पास्ट वॉज लिटरली वेरी ब्यूटिफुल वट आई एम कैन सी हेयर. ठीक है, बहुत पॉजिटिव पास्ट कहीं ना कहीं रहा है, लेकिन आपके दिल में बहुत डर रहा है, आपके दिल में बहुत इनसिक्योरिटीज रही हैं. आप देख रहे हो टू ऑफ एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी आप कहीं ना कहीं हमेशा डरते रहे कि ये शख्स आपको छोड़कर चला जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा. देखो हर डर की ना एक वजह होती है, और ये शख्स ने ही आपको इस डर की वजह दी थी, क्योंकि इस शख्स के एक्शंस बिहेवियर ऐसे थे कि आपको हमेशा ये डर रहता था कि ये शख्स चले जाएंगे आपको छोड़कर और आपसे दूर हो जाएंगे. ठीक है, मतलब इट इज़ ऑल्सो दैट एनर्जी जहाँ पर आपके पार्टनर भी काफ़ी अनश्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है. द रीज़न इज़ क्योंकि इनका पास ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था. आप देख रहे हो इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड हो रखा है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वैंड, यानी पास्ट आपके पार्टनर का भी अच्छा नहीं रहा. अगर पास्ट का कोई रिलेशनशिप था वो पॉजिटिव नहीं था, या फिर कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज हो सकते हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ झेला है. इनकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप बहुत इनसिक्योर रहे, इनकी मतलब ये जो अपने पास्ट की वजह से इनसिक्योर थे ना, तो आप भी बहुत परेशान रहते थे. दैट्स वट आई कैन सी हियर, यानी आपने भी बहुत कुछ झेला है यार पास्ट में. लिटरली ऐसी एनर्जी है. ठीक है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स. ठीक है, देखो अब टेन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर भी कहीं, टेन ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है. यानी डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ फ्यूचर सोचते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप लोग टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में इस समय हो. ठीक है, और ये प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है आपके पार्टनर की. आपको मे बी ये छोड़कर चले गए. ठीक है, मतलब यहाँ पर एक क्लोजर हुआ है आपके रिलेशनशिप में. बट आई कैन सी हेयर कि पूर्व पर आपको जैसे ब्रेकअप देकर चले गए हों, वो एनर्जी यहाँ पर है. फाइनल ब्रेकअप देकर आपसे आगे बढ़ गए. ठीक है, सो देयर इज दैट एनर्जी. और आप इनके फाइनल ब्रेकअप, मतलब जो इस बार आपका नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है ना, आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इस बार आपको फाइनल ब्रेकअप दिया है और आपसे पूरे तरीके से दूर हो गए. वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, और आगे बढ़े वो अपनी लाइफ में. लेकिन यू नो वट, कि आगे चाहे वो बड़े भी हो लेकिन खुश वो भी नहीं है. आप देख पा रहे हो उस कार्ड को प्रॉपरली, देखो खुश वो भी नहीं है जो आपके पार्टनर है. ठीक है, हैप्पीनेस दोनों ही साइड नहीं है. वो फिर लौट कर आपकी तरफ आएंगे और आपसे सेकेंड चांस मांगेंगे. ठीक है, और वो जो आपसे दूर गए हैं ना, तो ये दिल पर पत्थर रख कर गए हैं. ठीक है, वो दूर जाना नहीं चाह रहे थे आपसे, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस बने हैं जिस वजह से उन्हें आपको छोड़कर जाना पड़ा. हो सकता है कि वो मैरिड है, टेन ऑफ कप की एनर्जी है. ठीक है, हो सकता है उनकी फैमिली है, हो सकता है वो इस समय उनको अपनी फैमिली पर ध्यान देना है. तो ऐसे कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, या फिर फैमिली प्रेशर कुछ हो सकता है, फैमिली अगेंस्ट हो सकती है आपके रिलेशनशिप से, फैमिली मना कर रही है, लव मैरिज नहीं हो पाएगी, उन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा है. अच्छा, यहाँ पर व्हाट आई कैन सी ना, उनके अंदर बहुत कंफ्यूजन भी है. टेन ऑफ कप्स विद सेवन ऑफ पेंटिकल, आप देख रहे हो कैसे, मतलब व्हाट आई एम लिटरली, मैं खुद कई बार सरप्राइज हो जाती हूँ कि एक से एक कार्ड आपस में ऐसे मैच हो जाता है. टेन ऑफ कप्स विद सेवन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल कन्फ्यूजन शो कर रहा है. आपके पार्टनर में बहुत इल्यूजन्स है. ठीक है, बहुत मतलब एक वो होता है ना, बेफिजूल की सोच, बेफिजूल के डर जैसे लेकर बस बैठे हुए हैं, वो एनर्जी आपके पार्टनर की है. ठीक है, कि आप रिजेक्ट कर दोगे, फैमिली नहीं मानेगी, फ्यूचर नहीं होगा इस रिलेशनशिप का. ठीक है, तो बेफिजूल के डर, फालतू के डर, कहीं ना कहीं बार फालतू के इल्यूजन्स अपने दिल में रखकर बैठे हुए हैं. ठीक है, जिस वजह से हो सकता है आपने उनको ये फाइन, उन्होंने आपको ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है. तो बिल्कुल बेफिजूल के डर मुझे उनके अंदर दिख रहे हैं. हैप्पी वो भी नहीं है. ईगो स्टबननेस की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है मुझे. देखो कोई भी रिलेशनशिप अगर खराब होता है ना, तो उसकी कहीं ना कहीं जड़ होती है ईगो, जो पार्टनर में है. और अगर वो अब आपके पास आएंगे भी ना, तो उस ईगो, उस एटीट्यूड थोड़ा दिखेगा. ऐसा नहीं है कि वो ईगो और एटीट्यूड पूरा खत्म हो गया. ओके ना, चलो खैर आगे चलते हैं. यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, इट इज़ दैट अ हर्मिट, यानी आप भी चुप होकर बैठे हुए, आप भी पीछे हो गए, आपने भी उन्हें प्यार देना बंद कर दिया, अपना प्यार दिखाना, अपने इमोशंस दिखाने आपने बंद कर दिए हैं, विच इज़ वेरी गुड. ठीक है, अदरवाइज आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, वो सोलमेट आपका हो सकता है, या फिर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है. ठीक है, सो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ना आपसे चाहे दूर हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर रहेंगे तो ही शायद सही रहेगा सब कुछ. अगर वो आपके पास रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, कन्फ्लिक्ट्स होंगे. ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि वो अगर आपसे दूर रहेंगे, वो दूर रहने में ही भलाई है, वो उनकी सोच है. मैंने कहा ना, बेफालतू की अजम्पशंस लगा कर बैठे हुए, फालतू की सोच. ठीक है, ओवर थिंकिंग की वजह से ये चीज़ें डेवलप होती हैं. ठीक है, माइंड शांत नहीं है, इस वजह से इतना सोच रहे हैं.
अगर फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का देखा जाना है तो व्हाट आई कैन सी कि फ्यूचर में देखो ये कमबैक तो कर रहे हैं, ठीक है, और आप खुद देखोगे कि ये आएंगे ना. ये हो सकता है कि पास्ट में भी ये चीज़ रही है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ आपको दिया है, और अगर ये फ्यूचर में आपके पास आएंगे ना तो भी मुझे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है. क्योंकि इन्हें ना हमेशा क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम में ना अपना स्पेस चाहिए होता है, ठीक है, अपनी चीज़ों से, अपनी सोच से बाहर निकलने के लिए, हील होने के लिए इन्हें स्पेस चाहिए होता है, ठीक है. क्योंकि ये ना मतलब एक मतलब इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर अनक्लियर हो जाते हैं, अनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है. सो इन्हें उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, सोचने के लिए, हील होने के लिए इन्हें स्पेस की ज़रूरत होती है. तो इसीलिए ये बार बार में भी आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं, ठीक है. बट अगर फ्यूचर में भी ऐसा होता है ना कि आपको ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं तो इस चीज़ को प्रॉपरली समझ जाओ, क्योंकि डरने की कोई भी बात नहीं है. ये शख्स ना सिर्फ अपने सोचने के लिए अपना थोड़ा स्पेस लेना चाहते हैं, क्लियर होने के लिए स्पेस लेना चाहेंगे, हील होने के लिए स्पेस देना चाहेंगे, तो इनको स्पेस दो, ठीक है. उस समय पर आप अगर फिर से स्ट्रेस्ड आउट हो गए, फिर से टेंशन होगी हर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पर आपकी, तो फिर इस तरीके से तो आप रिलेशनशिप कैसे निभा पाओगे, है ना. इस शख्स का बहुत पेशेंटली आपने वेट करा है, व्हाट आई कैन से है, बहुत पेशेंटली आपने वेट करा है. और मुझे यहाँ पर फ्यूचर एनर्जी में साफ साफ नज़र आ रहा है कि इनको ना आपकी वाइब्स इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, इतनी स्ट्रांग, इतनी ब्यूटीफुल आपकी वाइब्स लगेंगी ना कि ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप तक पहुँचने से, ठीक है. अभी तक ये खुद को कंट्रोल करके बैठे हुए ना कि मुझे नहीं जाना, रेजिस्ट करने, ठीक है, नहीं मुझे उससे बात करनी, नहीं मुझे उसकी तरफ जाना. तो ये अपने आप को फ्यूचर एनर्जी ऐसी है जहाँ पर ये खुद को रेजिस्ट भी नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. वो एनर्जी है जब भागे भागे आएंगे आपकी तरफ, ठीक है. इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड लगोगे आप इन्हें, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, पैशन इनका बढ़ने वाला है आपको लेकर, ठीक है. ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है. ये आपके साथ इट इज़ लाइक कि अपनी सारी हिडन फीलिंग्स आपको बताना चाहेंगे, दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर, ठीक है. इनके बहुत सपने, फ्यूचर प्लान्स हैं आपको लेकर, ठीक है, जो ये पूरा करना चाहते हैं आपके साथ, और वो ये करेंगे, ठीक है. सो डेफिनेटली कमबैक तो है, ठीक है. चाहे इन्होंने आपको फाइनल क्लोजर दिया भी है, आपसे फाइनल ब्रेकअप करके भी गए हैं, तो भी कमबैक है इनका, ठीक है. ये मत सोचो कि यहाँ पर गिव अप हो चुका है, या यहाँ पर इस पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं है, या आपसे दूर जा चुके हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. ये कमबैक करना चाहते हैं, इनको आपकी प्रेजेंस चाहिए, ठीक है. इनको आप चाहिए, इनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनका डेवलप हो जाएगा आपको लेकर, दैट्स वट आई कैन सी. इतने स्ट्रांग, ब्यूटिफुल आप इन्हें लगोगे, ओके. सो एंड अच्छा, कई बार ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहाँ पर टेन ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर ना इज लाइक थोड़ा इस समय बर्डनड है वो, ठीक है. इस समय जो करंट एनर्जीज उनके ना थोड़ा बर्डन हो सकता है, मे बी फैमिली को लेकर, फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. अगर ये मैरिड है तो अपने पार्टनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बच्चे हैं इनके तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. सो मोस्टली यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है इज़ लाइक के इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन्हें पूरी करनी है, कुछ मजबूरियाँ हैं जो इनको रोकती हैं आप तक ना पहुँचने के लिए, ठीक है. सो उन मजबूरियों से निकलकर ये डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे. जैसे जैसे वो मजबूरियाँ ख़त्म होंगी, वैसे वैसे वो आपकी तरफ बढ़ते रहेंगे, ठीक है. आपको एक सिक्योर कंसिस्टेंट रिलेशनशिप देंगे, ठीक है. फिर से आप वो प्यार इनके अंदर देख पाओगे, वो लव बॉम्बिंग वाली एनर्जी जो आपने पास्ट में देखी थी ना, जहाँ बहुत प्यार ही प्यार था, आपको हर समय इन्होंने अपना प्यार दिखाया था, वो एनर्जी आपको फिर से इनके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है. एंड ये लिटरली अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, क्योंकि आप इन्हें इतने ट्रस्ट वर्दी, इतने लॉयल पर्सन मिले हो, एंड यू आर जस्ट टू गुड फॉर दिस पर्सन, यू नो. और ये बात ये पर्सन बहुत अच्छे से समझते हैं कि आप, यू आर जस्ट टू गुड फॉर दिस पर्सन. चलिए फिर और देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस आपके पार्टनर के निकल के आते हैं. सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज़ कुछ मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो उनको कहना चाहते हैं. सो यहाँ पर सबसे पहले है वो, जब आपको देखते हैं ना तो आपको देखते रह जाते हैं, या जस्ट आप इतना अट्रैक्टिव लगते हो उनको, यू नो. वो रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, पछता रहे हैं कि अब सिर्फ आपसे दोस्ती तक नहीं रह पाई उनकी, ठीक है. इतना ज़्यादा उन्होंने कभी किसी को याद नहीं करा जितना ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है. चलिए, वो बहुत गिल्टी हैं जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट करा, जिस तरीके से वो आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है. उन चीज़ों के लिए बहुत गिल्टी हैं. आपकी आवाज़ सुनकर ही उनको शांति मिलती है, रिलैक्स महसूस कर पाते हैं. और जब तक वो आपकी आवाज़ नहीं सुन लेते, आपसे बात नहीं कर लेते ना, वो बहुत एक हैवी हार्ट की एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है. लाइटेड एनर्जी नहीं दिख रही है.
वो जो कुछ भी आज हैं वो सब कुछ आपकी आपकी बदौलत हैं, ठीक है। इस चीज़ को वो मानते हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं इस चीज़ को लेकर। वो हमेशा आपका वेट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। कई बार वो ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या अब वो आपके लिए ज़रूरी नहीं रहे हैं, ठीक है। ये उनकी इनसिक्योरिटीज़ ही, उनके खुद के थॉट्स हैं जो उनको ये सोचने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि उनकी इनसिक्योरिटीज़, दैट्स व्हाट देयर एनर्जी। आई थिंक सो ब्यूटिफुल। तो आज की ये रीडिंग थी। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें रेजोनेट करी हैं तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और यस, मैंने लास्ट में आपको जैसे प्रॉमिस करा था टू जस्ट शो द रेमेडी, तो यहाँ पर ये एनर्जी है विच इज़ अ रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। तो आप ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहन सकते हो। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है ना कि लाइक आपके पार्टनर आपसे या तो उनका प्यार बहुत फेड हो गया है, कम हो गया आपके लिए, इंटरेस्ट नहीं रहा है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या ऐसा में प्रॉपरली आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है, और बिल्कुल बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉपरली एक ब्रेकअप, एक क्लोजर देकर चले गए हैं, तो ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। अगर इन्हें आप अपने नाम और अपने पार्टनर के नाम से एनर्जाइज करवा कर पहनते हो, ठीक है, जो कि आप हमसे भी एनर्जाइज करवा सकते हो, तो अगर आप इन्हें पहनते हो ना तो डेफिनेटली जो है आपको एक बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रियूनियन और रिकंसिलेशन के लिए ही बनाया जाता है। इसे बेसिकली रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये मे बी हो सकता है कि आपको व्हाइट कलर का दिख रहा हूँ, मे बी ड्यू टू वीडियो इफेक्ट, बट ये जो है इट इज़ पिंक इन कलर, ठीक है, ये पिंक कलर का ब्रेसलेट है। ओके, सो आप इस क्रिस्टल को ले सकते हो और इसे अपने लेफ्ट हैंड में पहन सकते हो, विच शोज एन ब्यूटिफुल रिजल्ट्स, ठीक है, अपने अपने पार्टनर के नाम से एनर्जाइज करवा कर। सो या दिस इज़ द रेमेडी फॉर टुडे। तो अगर आप हमसे एक क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा, मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर इन क्रिस्टल्स को अपने लिए आज ही बुक कर सकते हो। ओके, तो चलिए फिर गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड डू टेक केयर।